अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आफरीनिश आमिर है। मैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में टेक्निकल ऑफिसर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर काम करती हूँ। आई एम थैंकफुल टू मेडिकोज सोसाइटी फॉर एंगेजिंग मी टू डिस्कस ऑन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज रिलेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ी ज़रूरी इन्फेक्शन है जिसके बारे में बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर तो हम इसकी बैकग्राउंड पे देखें तो ट्यूबरकुलोसिस को उर्दू में हम आम जबान में हम कहते हैं तपेदिक। जो तपेदिक की बीमारी है ये फैलती किस तरह से, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। जो बैक्टीरिया आपका है वो आपके लंग्स पे अफेक्ट करता है। लंग्स पे अफेक्ट करके इट कैन लीड टू सिवियर कॉम्प्लिकेशंस, इवन इट कैन लीड टू योर डेथ एज वेल। टीबी एक बंदे से दूसरे बंदे में सांस के जरिए और हवा के जरिए फैलता है। सिर्फ ये लंग्स की बीमारी नहीं है बल्कि ये आपके डिफरेंट जिस्म के ऑर्गन्स पे काम अफेक्ट कर सकता है, जिसमें आपकी किडनी, स्पाइन और ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर दुनिया में इसके बर्डन के बारे में बात की जाए तो 2020 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 15 लाख लोगों की मौत अमवात वाकई हुई है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस 13th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ समझा जाता है तमाम बीमारियों में और इट इज़ कंसिडर्ड एज सेकेंड लीडिंग इन्फेक्शियस किलर आफ्टर COVID-19 विच इज़ अबव देन HIV एंड AIDS। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 8 मुल्कों में शामिल है जो कि जिनमें टीबी की बहुत ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं। ये जो मिथ्स हैं कुछ इसके बारे में कि टीबी कुछ तरीकों से फैल सकता है, जिसमें कहते हैं हाथ, जिस बंदे को टीबी है उसके साथ हाथ मिलाने से फैल सकता है। अगर हम जिस बंदे को टीबी है उसके साथ हम खाना या पानी शेयर करते हैं उससे फैल सकता है, या हम उसके साथ उसकी उसके बेड साइड को टच करते हैं या टॉयलेट सीट को टच करते हैं तो उससे फैल सकता है। शेयरिंग द टूथब्रशेस एक ये भी कॉमन कॉन्सेप्ट है कि इससे भी फैल सकता है, लेकिन इन चीज़ों से ट्यूबरकुलोसिस नहीं फैलता। ट्यूबरकुलोसिस फैलता है आपकी सांस के जरिए, खांसी या छींकने से अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है। टीबी के हम साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि अलामत क्या है, आपको पता कैसे चलता है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गई है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं कि इंसान को खांसी शुरू होती है, देन कम्स अ पेन इन द चेस्ट। तीसरा काम ये शुरू होता है कि जब इन लंग्स में इन्फेक्शन शुरू हो जाती है तो बलगम और रेशा जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब मरीज है वो खांसी के साथ साथ रेशा भी खारिज कर रहा होता है। दूसरे कॉमन सिम्टम्स में जिस्म में थकावट, कमजोरी, वजन का गिरना, भूख ना लगना, बुखार रहना और रात के टाइम ठंडे पसीने आना। टीबी से बचना मुमकिन है, इसके लिए आपको एहतियात करना बहुत जरूरी है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में मैं बार बार जिक्र करूंगी, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत सी बीमारियों से बचाव के लिए एक बहुत ही उम्दा जरिया है। टीबी हवा के जरिए फैलने वाली इंफेक्शन है। एक बंदा जिसे टीबी है वो खांसेगा या छींकेगा तो टीबी के जरासीम दूसरे बंदे तक चले जा सकते हैं। बचने का क्या तरीका है, यू हैव टू मेंटेन अ गुड वेंटिलेशन। हवा कमरों में हवा का अमल दखल बेहतरीन रखें। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, नेचुरल लाइट, जो यूवी लाइट होती है ये हमेशा से टीबी के जरासीम को ख़त्म करती है, तो ये एक बेहतरीन जरिया है। तीसरा, हमेशा से गुड हाइजीन के प्रैक्टिसेस के बारे में हमने लोगों को प्रमोट किया है, इसी के ऊपर हम बात करते हैं। हमारे नबी पाक में आज से 1400 साल पहले कह दिया, सफाई निस्व ईमान है, जिसमें हजारों बीमारियों का इलाज मौजूद है। अगर आप खांसते हैं या आप छींकते हैं तो आप अपने नाक को और अपने मुंह को कवर करें, अपने नाक और मुंह को प्रॉपर टिश्यू पेपर या हैंडकरचीफ से कवर करें। जब आप अगर आपने हाथ से भी अपने मुंह को कवर किया तो फिर आप दोबारा से हाथ धो लें साबुन और पानी के साथ, कि अगर हाथ या पे जरासीम लगे भी हैं तो वो खत्म हो सके। दिस आई कम टू द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू एवरीवन।